पेमेंट देने का जो तरीका सरकार ने बनाया है, किसान अगर जो चाहता है किसान की मर्जी पे, किसान अगर सीधा लेना चाहे तरीके से। आड़ती एसोसिएशन से जुड़े जितने भी लोग हैं वो फिलहाल जिला सचिवालय पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। आड़तियों की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर जितने भी लोग हैं वो आज जिला सचिवालय पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत करेंगे। रजनीश जी है हमारे साथ। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर जो है आज आप लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारी आड़त है तो आप देख सकते हैं SDM साहब जो है वो मौके पर पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। और फिलहाल जितने भी आड़ती एसोसिएशन के मेंबर हैं वो ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। तमाम मांगों को लेकर जो 4% बढ़ा दिया ना सर, हम चाहते हैं कि अगर दूसरी स्टेट में कम है ये फीस 1% है, वो जो राइस मिलर्स हैं वो तकरीबन दूसरी स्टेट से लेना शुरू कर दिया है क्योंकि फीस ज्यादा पड़ रही है, तो इसको कम किया जाए सर। और किसान का है जो किसान की जो पेमेंट की ऑप्शन होनी चाहिए सर, ऑप्शन है सर, किसान चाहे तो किसान खाते में, जो किसान अगर चाहे तो आड़ती के माध्यम से ले, जैसे मतलब ऑप्शन होनी चाहिए किसान की मर्जी पे। स्टेट बॉडी से हम ऑप्शनल करेंगे लेकिन उन्होंने बाद में फिर डायरेक्ट कर दिए सर। और ये जो ढुलाई है ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं वो कहते थे कि हम उसको पंचायत को ठेका देंगे, हर बार सरकार कहती है पंचायत को ठेका देंगे लेकिन वो फिर किसी और को ठेका देती है। हम चाहते हैं कि पंचायत को ठेका दे, पंचायत ही अपने आप कनक उठवा लेगी उनकी जो भी होगी, तो उससे हमारी क्या होगी, शॉर्टेज नहीं आएगी, समय पर हमारा माल उठेगा। और जो ये मार्केट बोर्ड के नियम है सर, ये जो भी उसके पंजाब के पैटर्न पे है, इसी नियम के हिसाब से हमारा बदलाव किया जाएगा। सभी जायज मांगे हैं जिम साहब, हमारी सरकार तक बात, ये कोई हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे सर, ये भी जो है हमसे जो पैसा काटा गया वही मांग रहे हैं हम, कोई हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे सरकार से कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। जरूर आपका जो ज्ञापन है भिजवा देंगे, उचित माध्यम से भिजवा देंगे। एक बार बातचीत भी करेंगे जिम साहब मौके पर ज्ञापन लेने के लिए जो है पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन है करनाल SDM को जो है ज्ञापन सौंप दिया गया है। बातचीत करने की कोशिश सर, किस चीज को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया आड़तियों द्वारा, क्या इस पर स्टेप लिया जाए? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है अलग अलग मांगों को लेकर के, जिसमें कि आड़त फीस और HRDF की जो है परसेंटेज कम करने की, और जो सीमांत एरिया पे फसल खरीद के बारे में, तो ज्ञापन उचित माध्यम से पहुँचवा देंगे सरकार। आप देख सकते हैं करनाल SDM जो थे उनको फिलहाल यहाँ ज्ञापन सौंपा गया, एक बार आड़तियों से भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं ज्ञापन सौंपने के लिए आज जो है आड़ती एसोसिएशन पहुंची थी, एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या मांगे आप? हम चाहते हैं कि जो हमारी आड़त है 2.5% आड़त है लेकिन सरकार ने हमें काट के दी है, हम चाहते हैं कि हमारी आड़त पूरी दी जाए जो हमें सरकार ने काटी है। दूसरा हमारा है कि सीमांत किसान जो जिनकी फसलें नहीं आने दी जा रही, और सीमांत किसान के बगैर हमारे आड़तियों का बहुत घाटा हो रहा है, हम कह सकते हैं कि सीमांत किसानों को हमें आने दिया जाए क्योंकि वो बरसों पुराना हमारा उनसे लेन देन है। तीसरा हमारा है कि जो इस पर मार्केट फीस बढ़ाई है सरकार ने, वो 4% कर दी है HRDF, उससे क्या हो रहा है कि जो बाहर की स्टेट्स हैं उसमें फीस कम है, और जो राइस मिलर्स वगैरह एक्सपोर्टर्स हैं ये माल यहाँ पर हमारे राज्य में लेने की बजाय बाहर से माल मंगा रहे हैं, तो उससे नुकसान आड़तियों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है, और सरकार का भी हो रहा है फीस में, तो हम चाहते हैं कि उसको कम किया जाए। बाकी जो मंडियों का ठेका है वो ट्रांसपोर्टेशन का, कनक लुदाई का, हम चाहते हैं कि उसको पंचायत को दिया जाए ताकि हमारा माल आराम से उठ सके, उसमें कोई खराबी ना हो, सरकार को अपना पूरा माल मिले, उससे शॉर्टेज भी आती है, माल लेट उठता है। बाकी मार्केट बोर्ड के नियम अनुसार जो पैटर्न है पंजाब पैटर्न है, हम चाहते हैं कि उसमें बदलाव किया जाए, जैसे इन्होंने ये कर दिया कि यहाँ सिर्फ आड़त का काम होगा, हम चाहते हैं कि मंडियों में सारी तरह का काम हो, और जो फीस ये लाइसेंस फीस लेते हैं लाइसेंस फीस एक बार ली जाए, तो ऐसे ऐसी कुछ मांगे हैं जो पंजाब पैटर्न पे, बाकी और कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई सरकार से हम कोई ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। हर बार देखा जाता है करनाल के साथ लगते दूसरे राज्य भी हैं, वहाँ से जो है फसल नहीं आ पाती, जैसे UP का लगता एरिया तो करनाल नहीं आ पाती, उनके लिए क्या कुछ? वो वही कह रहे हैं हम सरकार से कि उनको फसल को आने दिया जाए, फसल ही तो लेके आ रहे हैं, कोई वो कोई तस्करी तो नहीं कर रहे ना, कोई अलग ऐसे तो नहीं है, फसल ही है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है, और दूसरी तरफ जो सीमांत किसान है वहाँ से फसल को आने नहीं दिया जाता।
सर क्या कुछ कहेंगे आज पहुंचे हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया? वैसे तो प्रधान जी ने सारी बात बताई दी। एक तो जो फीस थी इन्होंने पहले कम कर दी थी, फिर वही 4% कर दी, बढ़ा दी। एक जो सीमांत किसान के रौड़ा है, जो हमारे लेन देन है जो यमुना के साथ किसान है, वो उनको नहीं आने देते। कोई अफीम तो ले नहीं रहे, वहाँ ना जाए किसान तो अपने कहीं भी बेच सका। और भारत सरकार का हुआ कि ये इसके लिए पूरा देश खुला है, एक मंडी एक देश, लेकिन उनको क्यों रोकते हैं? छोटी छोटी मांगें हैं, ये सरकार जानती भी है। कई बार इनके बाद बात हो ली तो सरकार को मान लेनी चाहिए ताकि इनके लिए विवाद ना खड़ा हुआ। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर जितने भी आरती हैं हरियाणा भर से जो एसोसिएशन है आरती यहां पर पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर। एसडीएम साहब को जो है मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, इस खबर पर अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जिला सचिवालय से, सहयोगी सूरज के साथ मैं नीरा माटा, डिप्टी हरियाणा करनाल। पेमेंट देने का जो तरीका सरकार ने बनाया, किसान अगर जो चाहता है किसान की मर्जी पे छोड़, किसान अगर सीधा लेना चाहे